सत श्री अकाल। चढ़दी कला टाइम टीवी न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हूं। खबरों की शुरुआत तो पहले एक नजर मार लेने हैं सुर्खियों के वल। जोधपुर च ईद मौके फिरकू तनाव का मामला, मामले च हुण तक 50 तो वध लोग गिरफ्तार, पथराव कारण 5 मुलाजम होए सन जख्मी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किसानों नूं झोने की सीधी बिजाई की तकनीक नूं अपनाउण लई कहा। भगवंत मान ने अपने जद्दी पिंड सतौश के किसानों नूं सुझाए लाहेवंद खेती के नुकते। डेनमार्क पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन च तुरंत जंगबंदी की की अपील। नरेंद्र मोदी ने डेनमार्क की प्रधानमंत्री नाल की मुलाकात। जोधपुर के जलौरी गेट इलाके फिरकू तनाव पैदा होने कारण पथराव शुरू हो गया। इस घटना च घट्टो घट 5 पुलिस मुलाजम जख्मी हो गए। पुलिस ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह शहर में ईद तो कुछ घंटे पहले स्थिति को काबू करने अथरू गैस के गोले छड़े। इस दौरान स्थिति तनावपूर्ण रहने कारण जोधपुर शहर के 10 थाने खेतरां विच अज रात तक लिए करफ्यू लगा दिया गया। प्रशासन ने एहतियात वजो मोबाइल इंटरनेट को भी बंद कर दिया। मुख्यमंत्री ने लोगों को शांति बना के रखने की अपील की है। पुलिस ने दसिया कि इस संबंध विच धार्मिक झंडा लगाने कारण दोवें धिरां एक दूजे नाल टकरा गईआं। पुलिस ने यह भी दसिया कि पथराव विच 4 पुलिस मुलाजम जख्मी होए। स्थिति नूं काबू करने लई इलाके विच भारी पुलिस बल तैनात किया गया। इस मामले दे विच 50 लोगों नूं गिरफ्तार भी किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस घटना लई बीजेपी नूं जिम्मेवार ठहराया। पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बीते दिन ही अपने जद्दी पिंड सतौज तो घट पानी की वरतों करके झोने की काश्त नूं उत्साहित करने लई अभिलाषी मुहिम झोने की सीधी बिजाई की शुरुआत की। मुख्यमंत्री भगवंत मान वालों अपने जद्दी पिंड सतौज विखे पहुंच के किसानों नूं झोने की सीधी बिजाई बारे जागरूक किया। वख-वख पिंडां तों आए किसानों के वड्डे इकट्ठ नूं संबोधन करदे मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत मान ने कहा कि उन्होंने सरकार वालों झोने की सीधी बिजाई करने वास्ते हरेक किसान 1500 रुपए प्रति एकड़ देने का ऐलान किया। ने कहा कि वह नहीं कहते कि झोना ना लगा। उन्होंने कहा कि जिन्ना चिर सरकार वालों इस दे पक्के हल का प्रबंध नहीं किया जाता उन्ना चिर किसान सीधी बिजाई करने का तजर्बा कर। उन्होंने कहा कि जिन्हों को 10 एकड़ है ताहो घट तो घट 5 एकड़ जमीन से झोने की सीधी बिजाई करने का तजर्बा कर ताकि होरना किसानों भी उन्होंने सेध मिल सके। खतरनाक पद्धर से तेजी घट रहे धरती हेठले पानी से डूंगी चिंता प्रगट करते हुए भगवंत मान ने कहा कि साढ़े किसानों रवायती झोने की लवाई तो DCR की उन्नत तकनीक वाल प्रेरित करना समय की लोड़ है। सोचते कि आने वाली पीढ़ियों वास्ते की छड़ के जावे। आप सोचते कोई गल नहीं जो मर्जी हो चले 200 मीटर होर थले चले जाने पर केरा जीरी सारे पिंड चो बद करके देनी है। मैं सारा कुछ पता है। मैं आते हुए जो धर्मगढ़ों आया दिखाता सी नाले वाला खेत मैं उत्थे पहला नरमा बीजा होंदा सी हुण तो सब कुछ जीरी है। फेरू वाला तो जमी रेता होंदा सी उत्थे भी जीरी लग दिता। सो जीरी मैं नहीं कहिंदा कि तुसी ना लाओ जिन्ना चिर सरकार कोई प्रबंध तुहानूं इहो जिहा नहीं दिंदी कि तुहानूं जीरी तो भी वध आमदन आउण लग जाए। पर उस तो पहला आपां इक तजर्बा कर सकते हैं। मैं नहीं कहिंदा सारे ही ते करो जिहड़ा 10 किलियां वाला 5 ते कर लो 6 ते कर लो जिहड़ा 20 वाला 10 ते कर लो 12 ते कर लो। सीधी बिजाई वाला जिहड़ा फार्मूला उहनूं आपां वरतीए। मेरे ख्याल इत्थे कुछ लोग बैठे ने जिन्हां ने पहला सीधी बिजाई की कि तुसीं कीती जिगरा DGP पंजाब दे वल्लों सीनियर IPS डॉक्टर सुखचैन सिंह नूं CM भगवंत मान दा नोडल अफसर लाया गया। जानकारी मुताबिक पंजाब पुलिस बारे जो मुख्यमंत्री दे ऐलान कीते गए ने उहनां नूं लागू करन संबंधी मुख्यमंत्री नूं जानकारी सौंप दे रहणगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन च तुरंत जंगबंदी की मांग की है ते संकट के हल लई गलबात अते कूटनीति दे राह ते वापसी का सद्दा दिता है। इस दौरान डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिकसन ने उम्मीद जताई कि भारत युद्ध नूं खत्म करन लई रूस से अपने प्रभाव की वरतों करेगा। मोदी ने दुवली गलबात तो बाद इतने पत्रकारों नूं कहा कि उन्होंने यूक्रेन संकट से चर्चा की ते यूक्रेन च तुरंत जंगबंदी की अपील की है। उधर डेनमार्क की प्रधानमंत्री फ्रेडरिकसन ने उम्मीद प्रगट करदे कहा कि भारत रूस से अपने प्रभाव की वरतों करेगा। पंजाब विधानसभा चोणां विच मिली हार तो बाद कांग्रेस ने एक बार फिर सूबे विच अपने संगठन नूं मजबूत करन दी कोशिश शुरू कर दिती है। हाल ही विच होए बदलाव तो बाद पार्टी ने सूबे विच अपने वर्करां विच जोश भरन लई मुहिम शुरू कीती है। वड़िंग कांग्रेस पार्टी के जनरल सकत्तर ते साबका विधायक मदन लाल जलालपुर के गृह विखे पुजे हुए सन। राजा वड़िंग ने कहा कि आप सरकार नूं जवाबदेह बनाउण लई कांग्रेस की भूमिका अहम है ते सरकार ते लोकां नाल कीते वादे पूरे करन लई दबाव बनाया जाना चाहिए जो आप सब दे साथ सदका ही संभव है। मैं जिस दिन तो प्रधान बने हैं तमाम अपने लीडर साहबाना के को उन्हों का आशीर्वाद लेना से ते समूह जड़े वर्कर साथी ने उन्हें विधानसभा के उन्होंने मिलना से जा जो उन्होंने विचार वटांदरा साझा हो सके उन्होंने गलबात हो सके और यह चुनाव हारन तो बाद पहलिया साड़िया पलेठिया मीटिंग हैं। असी कहा जिस दिन मैं अहदा संभालिया कि लोगों के डायलॉग नाल असी आने वाले समय च कांग्रेस पार्टी का निर्माण करा यानी कि संगठन बना। अज उस तहत इस पहली वर्कर मिलनी ते मैं कनौर आया और नाल ही मेरे वड्डे भरा जलालपुर साहब का आशीर्वाद लेना। बीते दिन पाकिस्तान तो भारत पुजे सिख श्रद्धालुओं के जत्थे सचखंड श्री हरिमंदर साहिब विखे पहुंचन से श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने सन्मानित किया। श्री ननकाणा साहिब तो सरदार प्रीतम सिंह की अगवाई में यह जत्था वाघा अटारी सरहद राही 22 अप्रैल भारत पुजा सी जो दिल्ली से श्री आनंदपुर साहब के गुरुधामा के दर्शन करने उपरंत बीते कल इथे पहुंचे। इस मौके जत्थे के आगू सरदार प्रीतम सिंह ने कहा कि 15 दिन के वीजे से 48 सिख श्रद्धालु भारत के गुरुद्वारा साहिबान के दर्शनों लिए पुजे ने इतने श्री आनंदपुर साहब से दिल्ली के गुरु घर के दर्शन करके संगतां बेहद प्रसन्न हुई ने। उन्होंने श्रोमणी कमेटी के प्रधान एडवोकेट धामी वालों किए गए मान सम्मान लिए धन्यवाद किया है। पाकिस्तान के गुरुधामा के दर्शनों लिए आने का सद्दा भी दिता है। किसी व्यक्ति वालों मलेरकोटला के डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के गेट उपर खालिस्तानी झंडा ते बैनर लगाने वाले नूं मलेरकोटला पुलिस ने काबू किया। इस संबंधी DSP मलेरकोटला मनदीप सिंह ने मीडिया नूं जानकारी दिंदिया दस्सिया कि इस मामले संबंधी हैप्पी नामी नौजवान नूं गिरफ्तार करदे अगली कार्रवाई आरंभ दी गई है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪਰਚਾ PSP ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉੱਤੇ 7 ਨੰਬਰ FIR ਔਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈਪੀ ਨਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤ ਗਲਤ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਟਰੈਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜੀ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਟਰੈਪ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਣ 'ਤੇ SHO ਸਿਟੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੀਮ ਔਰ ਨਾਲ CIA ਸਟਾਫ ਦੀ ਟੀਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 153A(b) ਔਰ ਡਿਫੇਸਮੈਂਟ ਔਫ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੀ ਅਜੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁਖਤਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਔਰ ਪ੍ਰੂਫ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।